नंबर देखिए, केंद्र दिया हुआ है माइनस ए कॉमा माइनस बी, और त्रिज्या यहाँ पे दी हुई है। चलिए फाइव नंबर में देखते हैं, केंद्र दिया हुआ है यहाँ माइनस ए कॉमा माइनस बी, और त्रिज्या जो है त्रिज्या दी हुई है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें वृत्त का समीकरण निकालना है, तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स माइनस माइनस यानी प्लस ए हो जाएगा, और वाई माइनस माइनस बी यानी प्लस बी आ जाएगा, इक्वल टू में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ देखो इसका फॉर्मूला लगेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर होगा, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस टू बी एक्स बी वाई और प्लस का बी स्क्वायर, इक्वल टू में स्क्वायर से रूट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आपका कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का टू ए एक्स प्लस का टू बी वाई, और ये माइनस वाला इधर के इसके साथ जुड़ जाएगा, तो प्लस का टू बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये आपका वृत्त का समीकरण हो गया, समझ गए। चलिए आगे।